नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देखिए कैसे ये शख्स मंदिर के अंदर नमाज पढ़ रहा है, वो भी प्रयागराज के हनुमान मंदिर में, और किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। नमाज पढ़ने वाले शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया और लोगों ने कार्रवाई की अब मांग कर डाली है। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल करने लगे। कन्हैया कुमार नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्रयागराज के सिविल लाइन हनुमान मंदिर में नमाज पढ़ते दिखा युवक। बस जैसे ही ये वीडियो मीडिया पर वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा कर डाला कि जब इस युवक को पकड़ने की कोशिश की गई तो ये भाग निकला। लेकिन ठहरिए, हम आपको बताते हैं इस वीडियो का पूरी सच्चाई। जी हाँ, ना तो ये मंदिर है और ना ही ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, ना ही ये कोई मुस्लिम शख्स है, बल्कि ये हिंदू है और इसका नाम वैभव त्रिपाठी बताया जा रहा है, जो मथुरा का रहने वाला है। इस बात की पुष्टि खुद इस शख्स ने ही पुलिस के सामने की है। सर, मैं वैभव त्रिपाठी हूँ और मेरे पिताजी का नाम धन कुमार त्रिपाठी है। मैं यहाँ पर डेली मंदिर में पूजा लगभग करने आता ही हूँ। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ, पर मैं वज्रासन में बैठता हूँ, वज्रासन में बैठती हूँ, पूजा करता हूँ, पर मेरे बारे में लोगों की कुछ गलत सोच हो गई कि मैं जो है कोई और धर्म का हूँ या मैं कुछ गलत करने आता हूँ। ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। हम सीखते हैं पास में ही, कंपनी विभाग के पास में ही हमारा घर है, हम वहीं पर रहते हैं। बकायदा पुलिस ने भी मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की बात को अफवाह बताया है और ये भी साफ कर दिया है कि ये शख्स वज्र आसन मुद्रा में पूजा कर रहा था, ना कि नमाज पढ़ रहा था। वीडियो वायरल किया जा रहा है वो उसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। ऐसा कोई नमाज पढ़ने का मंदिर में प्रकरण नहीं है, इसकी जाँच की जा चुकी है तथा एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति द्वारा वहाँ वज्रासन में पूजा किया जा रहा है, जिसको कथित तौर पे नमाज की बात करके वीडियो वायरल की जा रही है। वो व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गए हैं, उनका नाम श्री वैभव त्रिपाठी है। गजब है, ये शख्स मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था, लेकिन लोगों ने इसे ये बोलकर वायरल कर दिया कि ये देखो मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। गनीमत ये रही कि पुलिस ने समय रहते मामले को संभाल लिया और पूरी वीडियो की हकीकत भी लोगों के सामने ला दी, नहीं तो इस शख्स के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।